अब हम कहाँ से आए हो? साउथ। साउथ से आए हो? साउथ। ये किधर है? बम्बई से। दुबई से आगे। दुबई से आगे? इतनी दूर से आए हो बाबू? सात समंदर पार। और ये मिठाई के डब्बे लेके आई है कि गिफ्ट लेके आई है? मिठाई लेके आई है, पर मैं तो खाती नहीं ना। अगली बार गिफ्ट लेके आओ। क्या है बाबू? बच्चे तो खा ही लेंगे। हम बैठे हैं ना। ये बैठे हैं चिंटे। बाबू यहीं की है क्या? दुबई की है क्या? ये मेरठ से। मेरठ की मिठाई खाना बच्चों। आपकी शरण में रह रही तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा ना। सबको बांट दे के बाहर से, अंदर वालों को। ये दो मांग रही है, दो मांग रही है ना। मैं बाहर दे दो। नहीं, दो नहीं देनी। एक आधी दे इसको, तो दो मांगी है ना इसने। लास्ट में देना। अरे बार बार बांट के आ। मैंने कहा था दो, मैंने ये नहीं कहा था दो। इसको एक भी नहीं देनी। इसको लालच मैं करवाती हूँ। अरे जाना मैं बाहर दे दी पहले। और जा के और इसको दे दे मेरे बाप। वीडियो तू बनाएगा कि तेरे बाप बनाएगा? बैठ जा, चल पड़ा। मेरा काम है वो संभाल ले। उधर जाके चिढ़ा इनको। अब पता है तुम्हें, महीने बाद लड्डू बांटने वाला है। सही मजीद की तरह एक ही महीना रह गया ना। पूरे हो जाएंगे, ग्यारहवें में होते होंगे। 18 तारीख को यानी हफ्ते बाद तो महीना हो गया मेरे बाप है। 9वें बाद तो आस हो ही जाती है, एक महीने बाद। हाँ बाबू, तू नहीं चाहती थी मतलब शादी करना चाहती थी? डेट फिक्स थी, लेकिन टूटी किस वजह से है? उन लोगों की डिमांड की वजह से। मेरे को भी नहीं पता है, सब कुछ फिक्स था 2 साल से। ये तू है? नहीं, ये उसकी मम्मी बर्थडे का मास्क पहनी है। उधर से ही है ये तो, है ना? अच्छे के लिए हुआ बाबू, वरना तुझे सारी जिंदगी रोना पड़ता। ये भी बता दूँ, ये अच्छे के लिए हुआ। तेरी पाठ पूजा है ना, वो काम आ गई है। ये ऐसे टॉर्चर करने वाले लोग हैं, तुझे मार देते बाबू टॉर्चर कर करके। मुंह पे कुछ है, पीठ पीछे कुछ है। इसका पूरा फैमिली, पूरी फैमिली। हाँ, ये घमंडे नहीं होते हैं कि अपने से ने नीचे, जैसे गरीबों को तो ऐसे देखते हैं जैसे गली के कुत्ते होते हैं। तो ये अच्छे के लिए हुआ है, दिल कच्चा मत करना। इससे अच्छा लड़का आगे और तैयार खड़ा है तेरे लिए। बाबू जो तूने देखा उसके लिए क्यों नहीं? जो तुम, हाँ ये हीरा है बाबू, हीरा है ये। और इससे तो कई सुंदर भी है, सुशील भी है, भगवान के मानने वाला भी है। और माँ काली का लाल है ये, इसकी मतलब माँ को भी जो दिया है ना, माँ काली ने ही दिया है इसको, ये पता कर ली। और ये मेरी बहन के लिए देखा है, इसका पता करना है। इकट्ठी करनी है शादी? एक फेरे में दोनों काम चला दोगे? छह महीने में। बहन की फोटो दिखाओ फिर ही पता करूंगी। हाँ फोन में दिखा दो। क्या नाम है बाबू बहन? कोमल। और लड़के का? शिवा सचदेव। दीदी
तो नहीं किया ना? नहीं वैसे ही आया। हाँ जी अभी आप से बात करते हैं। लेकिन इसका रिश्ता तो और आ रहा है। और आ रहा है कोई और बात से मान जी। ये सही है बाबू, सही तो है। मैंने सिर्फ ये कहा कि और रिश्ता आ रहा है। छोटी सी फैमिली है बाबू इसकी। हाँ जी। लड़का तो ठीक है, परिवार भी ठीक है, सब सही है। अगर इससे करना जो अब आएगा वो भी अच्छा है और ये भी अच्छा है, तुम्हें देखना है अब कौन सा कर। ये तुम्हारे हाथ है, कब कही कर दो। दिवाली पे कर दो जी, सगुन जैसे सगुन कर सकते। दिवाली के बाद का मुहूर्त निकलवा देना, ठीक है। दिवाली पे तो आएगा बाबू, पता नहीं नवंबर फर्स्ट वीक में, क्योंकि पायलट नहीं बाहर रहता है। तो दिवाली पे तो आएगा। ग्यारहवें महीने की बोला है आने के लिए। और अब क्या दसवां चल रहा है, तो दस में के आधे दिन तो निकल ही गए हैं। बारह पंद्रह दिन है और इतनी दिवाली है, तो ग्यारहवां लग गया ना। हाँ जी, बस फिर कर देना बाबू ने, सब बढ़िया है। बजाओ ढोल, ये फोन मैं ले लूं। ले ले बाबू। ये ना मेरा भाई है, इसके ना जॉब में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्यों। मैंने भी बहुत ट्राई किया बाहर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से। नाम बाबू? मलकीत। किधर आ गई? मेरठ में। उधर महाकाली का कोई मंदिर है? हाँ जी है। शनिवार को बोलना इसके हाथ से। लोहे का छल्ला होता है ना, लोहे का बनवा लेना, जो पहनते सुनार के मिल जाएगा कि लोहे का छिल्ला, कई काफी पहनते हैं ना, जिसपे शनि भारी होता है। तो माँ काली के मंदिर में चढ़ाया है चरणों, इसका शनि उतर जाएगा। और उसी समय भूत प्रेत कोई समस्या नहीं है, सब सही है, बस शनि की थोड़ी दशा है। ये करते ही हो जाएगा, चाहे कभी कर दो शनिवार को, तुरंत लगेगा। बस इतनी अटकी हुई है इसकी माँ काली की, ये जैसे ही चढ़ाएगा ना चरणों में शनिवार को, 16 सिंगार ले जाना, बोल देना उसको, और एक काली चुन्नी, काली ना मिले लाल ले लेना, एक नाल ले। श्रद्धा अनुसार अरदास, चाहे वो 10 की हो 20 की हो, वो तुम्हारी श्रद्धा होगी, ठीक है। 16 सिंगार होगा और वो लोहे का छल्ला उस चुन्नी में लपेट के और माँ के चरणों में अर्पित कर देगा, तुरंत लग जाएगा। बोला जय कराए काल का माए।